नमस्कार दोस्तों, रियो इंटेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कंप्यूटर या लैपटॉप फॉर्मेट कैसे करते हैं विंडोज 10 से। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम बताएंगे विंडोज 10 से कंप्यूटर या लैपटॉप फॉर्मेट कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव को मैं इस लैपटॉप के अंदर लैपटॉप के यूएसबी में पोर्ट में हम लगाएंगे। देख देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम लगा रहे हैं यहाँ पर यूएसबी पोर्ट पर। उसके बाद हम इस लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे। इस लैपटॉप को हम यहाँ से रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन किस तरह से आता है बूट मेन्यू में जाने के लिए। अभी मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे में F12 का ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पे F12 प्रेस कर दिया है बूट मेन्यू में आने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख सकते हैं बूट ऑप्शन मेन्यू, यहाँ पे एक तो साटा हार्ड डिस्क शो हो रहा है और दूसरा में यूएसबी हार्ड डिस्क शो हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे हमें करना है यूएसबी एचडीडी लिखा है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है सैनडिस्क, इस पर हम एंटर कर देंगे। चलिए हम इस पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रेस एनी की, ठीक है हमें कोई भी यहाँ पर की एक प्रेस कर देना होता है। मैंने कोई एक की को प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर विंडोज अपना लोडिंग स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है इंग्लिश मतलब लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस लैंग्वेज को हम सेलेक्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पर डिफॉल्ट लैंग्वेज आता है यूनाइटेड स्टेट का यूएस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम यूनाइटेड स्टेट के लैंग्वेज पे नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्टॉल पर हमें क्लिक कर देना है। चलिए इस पर इंस्टॉल पर मैंने क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे इनका एक्टिवेट विंडोज का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे एक्टिवेट लाइसेंस की है तो यहाँ पे आप डाल के नेक्स्ट कर देंगे फ्रेंड्स। नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की है, ठीक है ये अंदर से बाद में भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हम आई डोंट हैव एक्टिवेट प्रोडक्ट की पे मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो होम का ऑप्शन आ रहा है, एक प्रो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे जो है प्रो पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, 64 बिट का है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स टर्म्स एंड कंडीशन शो हो रहा है, आप देख सकते हैं इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, इस पर हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो कस्टम आ रहा है, एक अपग्रेड वर्जन आ रहा है। अपग्रेड कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ से कस्टम पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ड्राइव है विंडोज का, हमारे हार्ड डिस्क जो स्पेस है यहाँ पर टोटल हार्ड डिस्क यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए इसको हम, अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका पहला डिवाइस है जो ड्राइव है सी ड्राइव जो भी है उसको आप डिलीट कर देंगे या फॉर्मेट डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो डिलीट करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने इसको भी डिलीट यहाँ से कर दिया। अब उसके बाद मैं अपना यहाँ पे नया पार्टीशन क्रिएट करूँगा, यहाँ पर न्यू पे, यहाँ पे न्यू पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें जितना यहाँ पे स्पेस देना होगा उतना हम दे देंगे जी। यहाँ पे मैंने अपना स्पेस यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद मेरा पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया है, विंडोज इंस्टॉल करना है, यहाँ पे पार्टीशन 2 में इंस्टॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करना होता है, इसको पहले फॉर्मेट करना होता है उसके बाद हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम फॉर्मेट पे क्लिक कर दिए, यस ओके कर देते हैं। उसके बाद मेरा ये ड्राइव फॉर्मेट हो रहा है, अभी जो मैंने न्यू ड्राइव क्रिएट किया था वो ड्राइव फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेट हो गया फ्रेंड्स। चलिए अभी इसको हम नेक्स्ट करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट है। अब कुछ देर हम वेट करेंगे, यहाँ पर अभी 0% शो हो रहा है, कुछ देर में 100% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ देर हम वेट करते हैं यहाँ पर। अब लास्ट वाला स्टेप चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिनिशिंग। अब ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अपना ये कंप्यूटर ये स्टार्ट होगा। अब फ्रेंड्स कंप्यूटर ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कर लेते हैं फ्रेंड्स हम गेटिंग डिवाइस रेडी। 60-75% हो गया, यहाँ पर 100% होने वाला है, 100% हो गया। उसके बाद अभी रेडी होने वाला है, अभी
फिर से रिस्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, फाइनल प्रोसेस है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वाईफाई हमारा शो हो रहा है, वाईफाई इसके अंदर जो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम चलिए स्किप द नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में स्किप का ऑप्शन है, मैंने स्किप कर दिया है आप, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन शो हो रहा है और यूज एक्सप्रेस सेटिंग ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे चलिए हम कस्टमाइज कर देते हैं। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज का जितने भी सेटिंग है सबको मैंने ऑफ कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसको सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से सबको ऑफ कर दिया है। चलिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट में जो भी कस्टमाइज का सेटिंग जो बचा हुआ है यहाँ पे और भी शो हो रहे हैं। अगर यहाँ इसके इसे भी आप अगर ऑफ करना चाह रहे हैं तो ऑफ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे ऑफ कर देते हैं जो हमें ऑफ करना है, और जिसे ऑफ नहीं करना है हमें उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से यहाँ पे कस्टमाइज का कुछ और सेटिंग यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इन्हें भी आप अपने हिसाब से पढ़ के देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किसे ऑफ करना है किसे ऑन रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पे जो ऑफ करना है उसको हमने ऑफ कर दिया, बाकी का ऑन है मेरा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट अ मोमेंट शो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैंने यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे डाल दिया है और एंटर यहाँ पे मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। री एंटर पासवर्ड और हिंट्स पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है। हिंट्स पासवर्ड में आपको कुछ भी डाल सकते हैं, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट शो रहा है। देख सकते हैं मीट अ कॉटन, जैसे कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं उसी टाइप से यहाँ पे आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपके विंडोज में सर्च करने का ऑप्शन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें नॉट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स देख सकते हैं यूजर कॉटन, तो यहाँ पे यूजर कॉटन पे सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। हम इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट शो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था विंडोज 10 का वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे जो गेटिंग थिंग रेडी प्लीज डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, यहाँ पे हमें पीसी को ऑफ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा पीसी स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन आ गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे विंडोज स्टार्ट हो गया है, हमारा जो लैपटॉप है स्टार्ट हो चुका है, हमारा विंडोज प्रॉपर तरह से डल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप विंडोज 10 को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे विंडोज 10 का ऑप्शन जो है यहाँ पे शो होने लगा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को विंडोज 10 से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रियो रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।